हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स की, जिसमें हम अमेरिका के संविधान से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको हम जानेंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो यह है संघात्मक सरकार, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर विभाजित होती है। लिखित पर एवं स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता का क्या अर्थ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब संविधान का आधार जनसत्ता है। राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित है, जनता ही संप्रभु है तथा संविधान पूर्णतः जनतंत्रीय है। हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण कहाँ, किसके द्वारा तथा कब हुआ था, इसे कब लागू किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन द्वारा 25 मई 1787 को हुआ था और इसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। तो हम देखते हैं कैसे कठोर संविधान है। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया न अपनाकर विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है, जिसमें कांग्रेस के दो सदन हैं और दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित कर उसमें राज्यों के 3/4 विधानमंडल समर्थन करते हैं, तब जाकर वहाँ पर कोई संशोधन हो पाता है। आगे हम देखते हैं अमेरिका के संविधान की कोई 4 विशेषताएँ बताइए। तो अमेरिका के संविधान की हम 4 विशेषताएँ देखते हैं। शक्तियों का पृथक्करण, निरोध का संतुलन। शक्तियों का पृथक्करण है मतलब वो शक्तियों का वहाँ पर बंटवारा, जैसे पहले केंद्र में है फिर राज्यों में है। आगे देखते हैं न्यायिक सर्वोच्चता, वहाँ न्याय के लिए न्यायालय सर्वोच्च है। संघात्मक शासन है। आगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर संसद इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ पर जो अध्यक्ष है वहाँ का राष्ट्रपति वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं अमेरिकी संघवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो अमेरिकी संघवाद की हम 2 विशेषताओं को देखते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिकी संघवाद की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है अमेरिका में संघ और राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों की वितरण की व्यवस्था है। आगे हम देखते हैं फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में भाग लेने वाले 2 व्यक्तियों के नाम बताइए। फिलाडेल्फिया के भाग लेने वाले 2 व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन, दूसरे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे क्वेश्चन है अमेरिका के संविधान के 2 स्रोत बताइए। अमेरिका के संविधान के स्रोत हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के अंश, दूसरा है व्यवस्थापन या फिर कांग्रेस अधिनियम के अंश। आगे हम देखते हैं अमेरिकी संविधान का महत्व है क्यों, कोई 2 उदाहरण लिखिए। अमेरिकी संविधान का महत्व क्यों है, इसके 2 उदाहरण बताइए। तो इसके हम उत्तर देखते हैं। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसका निर्माण संविधान शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे पहला संविधान है जो लिखित संविधान है। और दूसरा देखते हैं यह गतिशील व जीवित संविधान है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए प्रयोग करने में समर्थ है। आगे हम देखते हैं अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो हम अमेरिका के संविधान के अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं जो 10-12 छपे हुए पृष्ठों में तथा लगभग 4000 शब्दों में अंकित हैं, जिन्हें मात्र आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका का संविधान इतना छोटा है कि जिसे हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। इसे विश्व का सबसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं अमेरिकी संविधान को किन शासन व्यवस्थाओं का जनक माना जाता है। तो इसका देखते हैं हम अमेरिका के जो संविधान है उसे किन शासन व्यवस्थाओं का जनक माना जाता है। तो वो माना जाता है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति, दूसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक। जनक इसलिए है क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका में ही आई थी। तो आगे हम देखते हैं
अमेरिकी तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मौलिक अंतर क्या है? अमेरिका और ब्रिटिश के मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल देश की पहली महत्वपूर्ण नीतियों को निर्धारित करता है, जबकि अमेरिका में नीतियों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल नहीं। यहाँ मंत्रिमंडल और संसद कानून बनाने के लिए, उन्हें नीतिगत लागू करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अमेरिका में ये सब कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी संविधान में प्रतिनिधित्वात्मक गणराज्य की स्थापना किस प्रकार की गई है? तो हम देखते हैं, इसके अनुसार राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। आगे हम बात करते हैं, कौन सा अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता? यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसके कुछ सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनके आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन कौन नहीं बन सकता है। तो इसे देखते हैं, कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। आगे हम देखते हैं, अमेरिकी संविधान से संबंधित निहित शक्तियों की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है, ये अलिखित शक्तियां अपनी प्रकृति से संवैधानिक हैं। दूसरा है, ये शक्तियां संघ सरकार के संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। आगे हम देखते हैं, अमेरिकी संविधान का मुख्य आधार स्तंभ क्या है? तो अमेरिकी संविधान का मुख्य आधार स्तंभ है शक्तियों का पृथक्करण। आगे देखते हैं, अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्यवहारिक सफलता हेतु जिस अनुपूरक सिद्धांत को अपनाया गया वह कौन सा है? तो वह है गतिरोध व संतुलन का सिद्धांत। आगे हम देखते हैं, अमेरिकी शासन व्यवस्था में गतिरोध व संतुलन के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया है? तो इसे देखते हैं, इसका उत्तर है, यह सिद्धांत शक्ति पृथक्करण सिद्धांतों के दोषों को समाप्त करके शासन के कुशल संचालन में सहायक है। आगे हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का क्या अर्थ है? यहाँ शक्तियों के पृथक्करण का क्या अर्थ है ये हम देखते हैं। तो शासन के तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासन के तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए। इन अंगों द्वारा एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित व नियंत्रण करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यहाँ व्यवस्थापिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है, और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। एक दूसरे पर कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। आगे हम देखते हैं, अमेरिकी शक्ति पृथक्करण और अवरोध व संतुलन के सिद्धांत पर कुछ शब्द लिखिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण और अवरोध के संतुलन के दो सिद्धांत और व्यवस्थाएं एक दूसरे की सहायक और पूरक हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य है शासन की शक्तियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना करना, जिससे शासन नागरिकों की स्वतंत्रताओं को आघात ना पहुंचा सके, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। आगे हम देखते हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के निर्माता हैं मॉन्टेस्क्यू। इनके अनुसार सरकार के तीन अंगों में प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, उस अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित ही रहना चाहिए और उसे दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। आगे हम देखते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान दल प्रणाली में क्या अंतर है? यहाँ इनके दलों में कैसे कैसे अंतर होता है वो हम देखते हैं। तो ब्रिटेन में दलों का सुदृढ़ संगठन है, जबकि अमेरिका में दलों का संगठन ढीला ढाला संगठन पाया जाता है। अमेरिका में लूट प्रथा पाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में ऐसी भ्रष्ट प्रथा नहीं पाई जाती। आगे हम देखते हैं, अवरोध व संतुलन का क्या अर्थ है? तो अवरोध और संतुलन का अर्थ है शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित ना करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। आगे हम देखते हैं, अमेरिकी संघ में
अमेरिकी संघ के प्रारंभ में कितनी इकाइयाँ थीं और आज कितनी इकाइयाँ हैं। तो अमेरिकी संघ में प्रारंभ में 13 इकाइयाँ थीं और वर्तमान में 50 इकाइयाँ हैं। यहाँ इकाइयाँ राज्यों को कहा गया है। अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निहित शक्तियों का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, यह निहित शक्तियों का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं। अमेरिका में कुछ जैसे कि तीन तरह की सूचियाँ होती हैं, उनमें शक्तियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि कुछ संघों को दी जाती हैं, कुछ राज्यों को दी जाती हैं और जो बची हुई होती हैं वो होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसमें अमेरिका के संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं, तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं, जबकि हमारे यहाँ जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र को प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में संघ प्रणाली अपनाए जाने के दो प्रमुख कारण बताइए। यहाँ संघ प्रणाली क्यों अपनाई गई है, तो इसका कारण है अमेरिका विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, दूसरा है अमेरिकी जनता एकात्मक शासन को निरंकुशता का प्रतीक मानती है। आगे हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के दो चरणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके दो चरणों का उल्लेख हम देखते हैं, संशोधन का की प्रस्तावना और है संशोधन का अनुसमर्थन या इसकी पुष्टि करना। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया की दो विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषताएं, यह जटिल और कठिन प्रक्रिया है, यहाँ पर संशोधन इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि जैसे संसद ने चाहा या फिर कैसे जैसे ब्रिटेन में राजा ने चाहा तो उसमें परिवर्तन कर दिया, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ जटिल और कठिन प्रक्रिया है। संशोधन प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण अथवा पुष्टिकरण हेतु दो वैकल्पिक प्रक्रियाएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो अमेरिका में एक व्यक्ति दो बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, दो से ज़्यादा बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, यह अमेरिका के 22वें संविधान में संविधान संशोधन द्वारा बताया गया है। आगे हम देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। कौन व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो उस बारे में हम जानेंगे। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो, इसके अतिरिक्त वह दिवालिया, पागल अथवा अपराध के सिलसिले में जेल न गया हो, ऐसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का जेवी निषेधाधिकार क्या है। ये जेवी वीटो एक पावर होती है, ये विशेष अधिकार होता है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। तो हम जानते हैं ये क्या है, यदि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी जल्दी कोई विधेयक पारित कर देती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने जेवी निषेधाधिकार के प्रयोग द्वारा उन्हें विधि का रूप लेने से रोक सकता है। आगे हम देखते हैं, पॉकेट वीटो क्या है, ये भी एक विशेष अधिकार है। तो चलिए हम देखते हैं, यदि कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिनों में कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को बिना स्वीकृति या अस्वीकृति दिए पड़े रहने देता है, ना तो उसे हाँ करता है ना मना करता है, वो उसे अनदेखा कर देता है, समझ लीजिए, तो परिणाम स्वरूप बिना विधेयक अस्वीकृति के ही अस्वीकृत हो जाता है, जैसे जिसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। जैसे कि उसने जो कोई विधेयक उसके पास गया, ना तो उसने वो वापस किया हाँ बोल के और ना ही उसने वो ना बोल के वापस किया, और उसने वो अपने पास ही रख लिया, तो वो है पॉकेट वीटो। आगे हम देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के दो कारण बताइए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति के दो कारण हैं वृद्धि के, राष्ट्रीय संकटों के कारण राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुई है, दूसरा है न्यायिक व्याख्याओं के कारण भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। किन दो कारणों से वृद्धि हुई है, एक है राष्ट्रीय संकटों के कारण, दूसरा है न्यायिक व्याख्याओं के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है।
आगे हम देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो वहाँ के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उनका चुनाव, निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव देश के वयस्क मतदाताओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ व कार्य क्या हैं। विधि निर्माण में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजना, राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा निशेषाधिकार का प्रयोग करना, और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका आदेश जारी करना। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से नागरिक अमरीकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं बन सकती। कांग्रेस के वर्तमान सदस्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं बन सकते। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के कोई एक या कुछ सदस्यों द्वारा देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी संविधान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रयोग किया गया है। अब तक अमेरिका में केवल एक बार, सन 1867 ईस्वी में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त होने से, एक मत की कमी रहने से राष्ट्रपति जॉनसन को पद से नहीं हटाया गया। एक बार ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो उसे किस प्रकार चुना जाता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं, यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को मतदाताओं का पूर्ण मत प्राप्त ना हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम तीन उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर देती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमरीकी मंत्रिमंडल के महत्व को प्रकट करने वाले किन्हीं दो बिंदुओं को लिखिए। तो पहला बिंदु है, अमरीकी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को नीति संबंधी परामर्श देती है। दूसरा है, प्रदत्त व्यवस्थापन तथा प्रशासन के कुशल संचालन में राष्ट्रपति की मदद करती है अमरीका के मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में मंत्रिमंडल को किस नाम से संबोधित किया जाता है। इसका उत्तर है, अमेरिका में मंत्रिमंडल को रसाई मंत्रिमंडल अथवा राष्ट्रपति का परिवार कहकर पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमरीकी प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के दो कारण लिखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का होना और समान पदीय द्विसदनीय व्यवस्था का होना। यहाँ प्रतिनिधि सभा जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है और वहाँ सीनेट जैसे हमारे यहाँ उच्च सदन है, उस तरह से ये उसके दो सदन है। आगे हम बात करते हैं, ब्रिटिश स्पीकर की अमरीकी स्पीकर से तुलना के दो बिंदु लिखिए। ब्रिटिश स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है, जबकि अमरीकी स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है। दूसरा है, चुनाव के बाद ब्रिटिश स्पीकर राजनीति से संन्यास ले लेता है, जबकि अमेरिका का स्पीकर सदन में दल का नेता बन जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीनेट के प्रति शिष्टता से क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, राष्ट्रपति द्वारा स्थानीय संघीय नियुक्तियों के संबंध में संबंधित राज्य के सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अभाव में सीनेट उस नियुक्ति का अनुसमर्थन नहीं करती, इसी को सीनेट शिष्टता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट का सभापति कौन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। भारत में भी उपराष्ट्रपति उच्च सदन का सभापति होता है, ये अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संघीय केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति से क्या आशय है। इसका आंसर है, संघीय केंद्रीयकरण का तात्पर्य शिखर पर सत्ता केंद्रित होने की प्रवृत्ति के साथ निम्न सत्ता से उच्च सत्ता को शक्ति हस्तांतरण करना। अर्थात शासन व्यवस्था में संघ का अधिक प्रभावशाली होना तथा राज्यों का महत्व कम होना संघीय केंद्रीकरण है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका के लिए जो शक्तियाँ हैं हम उनको देखते हैं, कानूनों को लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना तथा प्रशासन का संचालन करना, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करना और उन्हें पद से हटाना तथा पर राष्ट्रों के संबंधों का संचालन करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूएस राष्ट्रपति के कार्यों को किस तरह प्रभावित करता है। यूएसए राष्ट्रपति के काम राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है, समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजकर, निशेषाधिकार का प्रयोग करके, कार्यपालिका आदेशों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आय क्या है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है, सामान्यतः वे 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष होता है, लेकिन वह ज़्यादातर 65 वर्ष की होने तक ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर 70 वर्ष पर जाके सेवानिवृत्त होते हैं और जीवन काल होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में लग जाए तो वो 70 वर्ष तक वहाँ न्यायाधीश बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गेरीमैंडरिंग व्यवस्था क्या होती है। अमेरिका में गेरीमैंडरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक स्वार्थवश परिवर्तन कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी कांग्रेस के वित्तीय कार्य बताइए। अमेरिकी कांग्रेस के वित्तीय कार्य क्या हैं। तो अमेरिकी कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण करना है। यद्यपि बजट वार्षिक बजट बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वित्त विधेयक के संबंध में अमेरिकी सीनेट की भारत की राज्यसभा से तुलना कीजिए। तो हम देखते हैं, भारत की राज्यसभा वित्तीय विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है और उसकी अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं रहता, जबकि अमेरिकी सीनेट की स्वीकृति के बिना वित्तीय विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट का कार्यकाल क्या है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, जबकि सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है, परंतु उसका 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है सीनेट का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है। अमेरिका में सीनेट का संगठन जनसंख्या के प्रतिनिधि के आधार पर ना होकर राज्यों के आधार पर है। प्रत्येक राज्य से सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं और सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। हर एक राज्य से 2 सदस्य भेजे जाते हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में कितने सदस्य हैं। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में 435 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सभा का उम्मीदवार बनने हेतु कोई 2 योग्यताएँ बताइए। तो वह है, पहला वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरा है वह कम से कम 7 वर्ष अमेरिका का नागरिक रहा हो। आगे हम देखते हैं, अमेरिकी सीनेट के सदस्यों की क्या योग्यता है। सीनेट के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु हो, उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधि वह सीनेट में करना चाहता है, जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। जैसे कि मान के चलो हमारा जो उच्च सदन है वह सीनेट है, अगर कोई व्यक्ति उसका सदस्य बनना चाहता है, अगर वो कोई किसी राज्य से बनना चाहता है, जैसे कि वह यूपी राज्य से बनना चाहता है, तो वह उस राज्य का निवासी ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका में निवास करता हो। अब हम इसकी तुलना में देखें तो प्रतिनिधि सदन का 25 वर्ष की आयु हो और वह 7 वर्ष कम से कम 7 वर्ष अमेरिका में रहा हो, और सीनेट की देखें तो 30 वर्ष की आयु हो और कम से कम 9 वर्ष वह अमेरिका में रहा हो। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी सीनेट के 2 कार्यों को बताइए। अमेरिकी सीनेट के कार्य हैं, कानून निर्माण में प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा से भी बढ़कर हैं तथा वह प्रतिनिधि
तथा वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका की सीनेट के महत्व के कारण बताइए। अमेरिका की सीनेट के महत्व के कारण है, अमेरिकन राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में प्रत्यक्ष हिस्सा लेती है। इसे महाभियोग की जांच करने का एकमात्र अधिकार है। राष्ट्रपति की जो महाभियोग लगाया जाता है उसके लिए जांच करने का एकमात्र अधिकार वहाँ पर सीनेट को है, उच्च सदन को है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। ये गलत टाइप हो गया है। इसका आंसर है, अमेरिकी सीनेट अपनी जांच शक्तियों द्वारा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकन कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम लिखिए। ये तो हमने पढ़ी लिया था, इसके दोनों सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अगला हम देखते हैं, फिलिबस्टरिंग क्या होती है। सदन के कामकाज में रुकावट डालने के की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे वाद विवाद को फिलिबस्टरिंग कहते हैं। जैसे सदन में कोई विधेयक पर बहस हो रही है और उसमें कोई भी व्यक्ति उस टॉपिक से अलग हटकर कुछ भी बोलता है, उस बहस को जो वाद विवाद टॉपिक से अलग का होता है उसे फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं, अमेरिकी सीनेट के कोई तीन दोस्त बताइए। तो अमेरिकी सीनेट के दोस्त देखते हैं हम। पहला है, सीनेट विश्व की अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय नष्ट करती है। सीनेट की कार्यवाही का एक आधार लॉस रोलिंग पद्धति है जो पारस्परिक सहयोग का भ्रष्ट साधन है। तीसरा है, नियुक्तियों के संबंध में स्थापित सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था अत्यंत दूषित और भ्रष्ट राजनीति का जनक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं तथा इसका क्या महत्व है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। यह पद अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे स्थान पर समझा जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाते हैं तो स्पीकर राष्ट्रपति के पद को धारण करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी सीनेट की विधायी शक्तियों और कार्यों को लिखिए। तो हम देखते हैं, अमेरिकी सीनेट किसी भी वित्त विधेयक को पूर्णतः संशोधित कर सकती है। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक है। साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट ही लाभ स्थिति में रहता है क्योंकि इसके सदस्य कुशल और अनुभवी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं। तो हम इसका आंसर देते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। कोरविन कहते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाली व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त हैं, जिन्हें वे अवैध और इसीलिए व्यर्थ समझें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका में न्यायपालिका ने संविधान के किन प्रावधानों के आधार पर अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 की उपधारा 2, अनुच्छेद 6 की उपधारा 2 के आधार पर न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को किन मामलों में मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, राजदूतों, वाणिज्य दूतों और सचिवों के संबंध विवाद। दूसरा है, अमेरिकी संघ के राज्यों के आपसी विवाद। तीसरा है, अमेरिकी संघ व उसके इकाई राज्यों के आपसी विवाद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। अमेरिकन संविधान में इसके दो महत्व बताइए। न्यायिक पुनर्विलोकन से आशय है, सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य व्यवस्था द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो उसकी दृष्टि में संविधान के प्रतिकूल है। तो इसका महत्व है, पहला है संघ प्रणाली की रक्षा करना, दूसरा है संविधान की पवित्रता की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका के प्रमुख दो राजनीतिक दलों के नाम बताएं। तो अमेरिका के दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकन दल प्रणाली की कोई तीन विशेषताएं बताएं। तो अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषता है द्विदलीय पद्धति, वहाँ पर दो दल हैं, उससे ज़्यादा कोई भी दल नहीं है। दूसरी है दलों का स्थिर संगठन। तीसरी है दबाव गुटों का प्रभाव। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी राजनीतिक दल व्यवस्था की कोई दो आलोचना कीजिए। तो अमेरिकी राजनीतिक दलों का निर्माण कोई स्पष्ट सैद्धांतिक आधार नहीं है। दलों की रचना मूलतः वर्गीय है, राष्ट्रीय नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फेडरेशन शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोएट्स से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस सदन में वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पार्क वैरल व्यवस्थापन को स्पष्ट कीजिए। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को इस बात का प्रयत्न करना पड़ता है कि राष्ट्रीय धुन की एकाधिक राशि को उनके निर्वाचन क्षेत्र में व्यय के लिए स्वीकार किया जाए। ऐसा करते हुए उनके द्वारा राष्ट्रीय हित के स्थान पर क्षेत्रीय हित की दृष्टि से विचार किया जाता है। इसी को पार्क वैरल व्यवस्थापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में लूट प्रणाली का वर्णन कीजिए। अमेरिका में दलीय व्यवस्था से संबंधित लूट प्रणाली को बताया जाता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, ये क्या होती है। अमेरिका में दलीय व्यवस्था से संबंधित एक परंपरा लूट प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली है, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दलों को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को परिच्युत कर इन पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर दें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका के संदर्भ में दोहरी नागरिकता को परिभाषित कीजिए। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें एक नागरिकता राज्य की होती है और एक नागरिकता अमेरिका की होती है। जैसे कि एक तो वो देश का नागरिक है, दूसरा वह अपने राज्य का नागरिक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिका में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कब और किस प्रकार अपनाया गया। अमेरिका में मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश नहीं था, लेकिन सन 1791 में किए गए संशोधन तथा इसके पश्चात किए गए संशोधनों के द्वारा अमरीकी संविधान में अनेक मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हम बनाएं और वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।